वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है रविवार और हर रविवार की तरह आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट वीडियो नंबर 26। और हर रविवार की तरह इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन 15 क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इसमें कितने सही हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकेडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकेडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, आप वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कितनी हिमालयी चोटियों को नाम दिया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है कि कितनी चोटियों के नाम रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की गई है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ था और उनका निधन 16 अगस्त वर्ष 2018 में इसी वर्ष नई दिल्ली में हो गया था। और वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे और उनका राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, और उनको वर्ष 2015 में भारत रत्न मिला था और 1992 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से आपको इतने एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कितनी चोटियों को नाम दिया गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, वीडियो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने दिल्ली को हराकर तीसरी बार क्रिकेट की विजय हरारी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि कौन सी टीम ने दिल्ली को हराकर तीसरी बार क्रिकेट की विजय हरारी ट्रॉफी का खिताब जीता है। यहां पर देखिए विजय हरारी ट्रॉफी की बात की गई है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए ये जो विजय हरारी ट्रॉफी है इसको वनडे की रणजी ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है और वर्ष 2002-03 ठीक है, वर्ष 2002 और 2003 के बीच इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। और ये जो ट्रॉफी है इसके सबसे सफलतम क्रिकेटर रहे जो तमिलनाडु की रहे हैं, ठीक है, और सबसे सफलतम टीम भी तमिलनाडु की रही है जो कि उसने 5 बार खिताब जीती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो ट्रॉफी है वो विजय हरारी क्रिकेटर के नाम पर शुरू की गई है। तो आपको बताना है इस वर्ष ये ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोप इंडिया 2018 भारत जापान यूएस संयुक्त वायुसेना अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट के रूप में बताना चाहूँगा, ये जो भी राज्य आंसर है उसमें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और उस राज्य ने हाल ही में एक लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 पास किया है जिसमें मुख्यमंत्री को लोकायुक्त संशोधन से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्रों की शिक्षा मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी अस्ताना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी शान्या। तो इसका आपको आंसर बताना है, आपको जो भी इसका आंसर पता हो तो कॉपी पर नोट करते चलिए, वीडियो के लास्ट में आपको इनकी आंसर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए संघाई सहयोग संगठन की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं संघाई सहयोग संगठन का गठन 15 जून वर्ष 2001 को इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग में, और इसके 8 सदस्य हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाक, रूस यानी पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि 8 मेंबर कंट्री हैं और इसके 4 ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं, अफगानिस्तान, बिलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, पेटीएम ने किस देश में पे मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा, तो उसको आप कॉपी पर नोट करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए पेटीएम की बात की गई है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, पेटीएम एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है जो कि डिजिटल वॉलेट का कार्य करता है, और पेटीएम ने जिस देश में भी ये पे वॉलेट लॉन्च किया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, वहाँ की पीएम है सिंजो अबे। ठीक है, आपको हिंट मिल गई होगी। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विदेश श्रम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए शीर्ष 10 कंपनियों में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो भी राइट आंसर होगा उसका आंसर आपको बताना होगा। मैं आपको हिंट के रूप में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इसका जो भी आंसर है, यानी कि जो भी कंपनी इसका आंसर है
उसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी, 1968 में। तो जिस क्वेश्चन से भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा और बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक द्वारा हाल ही में वेल्थ हब लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप बताइए कि कौन से बैंक द्वारा वेल्थ हब लॉन्च किया गया है। अब जो भी बैंक ने ये वेल्थ हब लॉन्च किया है तो मैं उसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा, उस बैंक की स्थापना सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो इतने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र ने हाल ही में सीबीआई के नए अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आलोक वर्मा, ऑप्शन बी के सी तलवार, ऑप्शन सी एम नागेश्वर राव, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए सीबीआई की बात की गई तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताना चाहूंगा, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और ये आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। और सीबीआई का गठन सन 1941 को हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके हाल ही में अंतरिम निदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर नए खातों को खोलने से प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्रतिबंध हटा दिया है, आप ध्यान रखेंगे कि किस बैंक पर प्रतिबंध हटाया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आरबीआई की बात की गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे, जबकि वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं उर्जित आर पटेल, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग ने की थी। तो आपको 9th क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, या फिर 24 अक्टूबर। आपको इसका आंसर बताना है। संयुक्त राष्ट्र की बात की गई है तो मैं आपको यूएनओ के बारे में बता दूं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और पहले महासचिव थे ट्रिक वेली। और विश्व की जो लघु संसद है वो यूएनओ को महासभा को कहते हैं और दुनिया का पुलिस मैन यूएनओ की सुरक्षा परिषद को कहते हैं। और सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जिन पर वीटो पावर का अधिकार है। और सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपको 10th क्वेश्चन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और आपको आंसर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कब से BS4 वाहनों की बिक्री नहीं होगी? यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2020, या फिर 1 अप्रैल 2021, या फिर 2022। तो इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। अब मैं आपको हिंट के रूप में बता दूं, ये जो BS4 मानक है इसको भारत स्टेज 4 मानक बोलते हैं। तो इसकी बिक्री कब से नहीं है ये आपको बताना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यूरोप में 2009 में ही यूरो 4 मानक लागू हो गया था, 2015 में यूरो 6 मानक लागू हो गया था, जबकि भारत में BS4 मानक अप्रैल 2017 में लागू हो पाया, जबकि BS6 अभी भी लागू नहीं हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2020 में ही लागू हो पाएगा, ठीक है। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सबसे बड़ा सैनिक युद्धाभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी नॉर्वे, या फिर उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए नाटो की बात की गई तो मैं आपको बता दूं, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन हुआ था सन 1949 में नाटो का गठन हुआ था और नाटो का मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा कौन से देश में अभ्यास शुरू हुआ है, और मैं इस देश की राजधानी बताना चाहूंगा हिंट के रूप में, उसकी राजधानी है ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में
मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम बताना है। और इलाहाबाद की बात की गई तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है और उत्तर प्रदेश की अमेठी में हाल ही में स्मृति ईरानी ने डिजिटल ग्राम का उद्घाटन किया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शिखर सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस वर्ष का प्रतिष्ठित विश्व कृषि पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी रमेश जैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंट के रूप में मैं आपको बता दूं, ये जिस वैज्ञानिक को ये अवार्ड मिलेगा वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और उन्होंने 1966 में गेहूं की नई किस्में विकसित की थी और उनको 1972 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो जिस देश में आयोजित हुआ, हिंट के रूप में बता दूं, उसकी राजधानी अस्ताना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हिंट की मदद से आप 15 में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और 15 में 15 क्वेश्चन आपकी सही भी होंगी। उम्मीद करते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की है और अगर आपने रेगुलर वीडियोस को देखा है तो आप इसके सभी आंसर देख चुके होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इस वीडियो के जितने भी आंसर हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप इन स्क्रीन पर दिए गए आंसर्स को अपनी कॉपी पर जो भी आंसर लिखे हुए उनसे मैच कीजिए। वीडियो को लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। आपके लिए मैं आंसर बोल भी देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी 4, दूसरे का ए है मुंबई, तीसरे का बी सही है पश्चिम बंगाल, चौथे का भी सही है अस्ताना, पांचवें का सी है जापान, छठवें का बी है TCS, सातवें का बी है स्टेट बैंक, आठवें का सी है एम नागेश्वर, नौवें का सी है फिनो पेमेंट बैंक, दसवें का डी है 24 अक्टूबर, ग्यारहवें का भी है 1 अप्रैल 2020, बारहवें का सी है नॉर्वे और तेरहवें का डी है गोविंद माथुर, चौदहवें का बी है एम एस स्वामीनाथन, पंद्रहवें का कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के आंसर्स। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।